ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। मैं आपको ज्यादा नहीं जानती, आप मुझे भी नहीं ज्यादा जानते हो, लेकिन जो चीज मैं अपनी आंखों से देखी है, अगर वो है तो मैंने इसीलिए बोला, मैंने इतने साल का नहीं बोला। तो बहन जी मैं वही तो कह रहा हूँ दीदी कि मेरी नॉलेज में ये चीज नहीं है। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात हो सकता है भी, आप कह रहे हो तो आप गलत नहीं कह रहे, आप अपनी जगह सही हो। हाँ जी, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। चलो मैं अब आप मुझे कह रहे हो बात करके बताओ, तो ठीक है मैं भी मैं करता हूँ। हाँ जी, अगर कोई ऐसी बात है, पहली बात तो मेरी नॉलेज में तो ऐसा है नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता या नहीं होगी, जो भी है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है इस बारे में, तो मैं कैसे किस बात को कहूँ। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो उधर ना तो चंडीगढ़ में आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप मिलने के लिए कह रहे थे ना, इसीलिए मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बंटी बार बार कॉल करता था ना, आपने उनको बोला होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोला था। हाँ जी, तो फिर आप किस रिगार्डिंग, आप मुझसे क्या बात करनी है आपने मिलने के लिए, बताइए, बताओ भाई। हेलो, चलो मिलना तो मैं वैसे ही मैं मिलना चाह रहा था। मैं तो टेंशन ना लो, ये व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कॉल पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं, नहीं व्हाट्सएप वो रिकॉर्डिंग वाली कोई बात नहीं है, नहीं मुझे कोई नहीं रिकॉर्डिंग वाली कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए पर्सनली मिलना चाह रहा था बस आपसे, और कुछ नहीं। आप मिल लोगे तो पर्सनली, फोन पे नहीं बातें होती ना, पर्सनली मिलते हैं फिर बात करते हैं। आप टाइम बता दो, आप मुझे बताओ तो सही किस रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग मिलना आपने मुझे, इतना तो मुझे बताया। मैं मिल के ही बता। ओहो दीदी, जब मैं कहता रहा हूँ फिर आप भी क्यों ऐसे हिच कर रहे हो, आपको आप हिच नहीं करो, टेंशन मत लो, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप मिलो तो सही, क्या पता कोई कोई जानकारी देनी हो आपको, क्या मालूम कोई बात करनी हो कोई बैठ के। चलो दोनों ही बातें हैं, आप बात तो अब आप मिलने का टाइम दोगे तभी बात होगी ना, ये चीज ऐसे नहीं होगी। चलो अंकल से बात करो। मेरे ना रस्ते च की हो जावे मेनू की पता, मेरे बच्चे मेनू उड़ीकदे आ, ओह कहंदे मम्मी तुसीं आउंदे नहीं। मैं अपने घर वालिया ते भी नहीं भरोसा कर सकती, ससुराल वाले ते नहीं भरोसा कर सकती, कम से कम मैं अपने बच्चे नूं मिलन ते जा सकती हां, सिर्फ इन्हां धमकियां दी वजह करके मैं अपने बच्चे नूं मिलन नहीं जांदी। कुड़ियां आंदियां जांदियां, मैं इत्थे भीड़ भीड़ भड़का बहुत रहिंदा, तुसीं इत्थे ओह करके तुसीं पता कर सकदे हो, निंजा थाने नूं मैंशन कीती सी पहला, DSP सर को गई सी, मैं चर्च जांदी सी, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਬਾਲ ਭਵਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੋਰਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤ ਗਲਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੇ ਫੈਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋ ਲੈ ਕੇ
जो गरीब लड़कियां उनकी शादी, जितने भी हम, मैं ऑल ओवर प्रचार करता हूं कि जिसके पास फ्री लीगल एड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ो, जहां तक लड़ाई लड़नी है मैं लड़ूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा और किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। ये मैंने इनके मैंने इनको खुद संपर्क किया, मैंने इनको खुद संपर्क किया है इनका केस, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा भाव है उस पर पता ही लग जाता है कौन फ्रॉड है। हमने दूसरा तन तन सतगुरु थोड़ी पैदा करना है, इसका साम्राज्य इतना फैल चुका है, इसको खत्म करना है। इसका साम्राज्य नहीं है, ये 8 किले कोई दान कर रहा है, 4 किले कोई दान कर रहा है, इसको उसकी जमीन इसके नाम, उसकी जमीन इसके नाम, इसका जलंधर में समागम, इसका भाई पास्टर लंदन में, इसका साम्राज्य, ये तो साम्राज्य थोड़ी चलाते जाना है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, पुलिस ने अपनी अच्छी कार्रवाई करी, इसको दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट करके लाई, पुलिस ने बहुत अपना पूरा वो करा।